आज का क्यूज है क्वेश्चन नंबर 56 से, प्रकाश के चैप्टर क्वेश्चन नंबर 56 से। आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देने का कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला है धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो धूप चश्मे की क्षमता होता है 0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका जाएगा ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, तो उसकी क्षमता, क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब दीजिएगा। कि जब उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है तब क्या होता है? तो जब उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है, अपवर्तन होता है, विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब दीजिएगा। तो विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। जिनका तरंग दैर्ध्य कम होता है उनका विचलन अधिक होता है। तो सभी रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग होता है, जिसके कारण विचलन भिन्न भिन्न होता है, और विचलन भिन्न भिन्न होता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल से बना होता है। जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3, 4, 5, 7। तो श्वेत प्रकाश आपको 7 रंगों के मेल से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका जाएगा ऑप्शन डी। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वर्ण मतलब होता है रंग, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलन किसका होता है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है? लाल का, बैंगनी का, पीला का, आसमानी का। तो सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी का। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलन होता है, यानी कि किस रंग का विचलन कम होता है? लाल का, पीला का, बैंगनी का, हरा का। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन कम होता है? लाल का, पीला का, बैंगनी का, हरा का। तो सबसे कम विचलन होता है लाल का। क्वेश्चन नंबर 61 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 में हो जाएगा प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला, नीला, पीला, हरा, लाल, कथई पीला, पीला, बैंगनी, नीला। तो आपका प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला। क्वेश्चन नंबर 62 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि प्रकाश के वर्ण क्रम में निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? हरा, लाल, बैंगनी, पीला। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? हरा के, लाल के, बैंगनी के, पीला के। सबसे अधिक होता है लाल के, सबसे कम होता है बैंगनी के। पूछा है कम, न्यूनतम मतलब कम, तो आपका हो जाएगा बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 63 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला है कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? नीला,
पीला, हरा, लाल। किसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? नीला का, पीला का, हरा का, लाल का। तो सबसे अधिकतम बोला है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है लाल का। क्वेश्चन नंबर 64, 64 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 65, 65 में बोला है कि यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र कैसा दिखाई देगा? पीला, नारंगी, काला, नीला। तो जैसे ही आपको हरा और लाल आ जाए, दो गो अलग अलग कलर भी ना जाए, तो आपका हो जाएगा काला। तो यहाँ पर बोला है कि कमरे में कैसा रखा जा रहा है, बल्ब है आपका हरा और कपड़ा है लाल, तो आपका हो जाएगा काला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, 65 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर बोला है कि बल्ब है हरा और वस्त्र है काला, और आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि यदि किसी गुलाब को हरे रंग के प्रकाश में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? तो गुलाब का रंग काला दिखाई देगा यदि हरा प्रकाश में देखेंगे। ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 65 के क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? जब लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? लाल, हरा, नीला, पीला। क्वेश्चन नंबर 66 का जवाब दीजिएगा कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? लाल, हरा, नीला, पीला। तो जब अधिक गर्म करेंगे तो वह हरा दिखाई देगा। लाल कांच को जब अधिक गर्म करते हैं तब वह हरा दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किस पर निश्चित किया जाता है? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, प्रकाश का रंग किसके द्वारा होता है? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है कि सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7, 8। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो सूर्य की किरणें में 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणें में 7 रंग, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है कि यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? क्वेश्चन नंबर 69, काला, नीला, नारंगी, लाल। तो आकाश का रंग काला दिखाई देता, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है, जब लाल, हरा व नीला समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कैसा रंग बनता है? मैजेंटा, सफ़ेद, काला, श्याम। बोला है कि जब प्रकाश के लाल व हरा नीले रंग के प्रकाश को मिलाते हैं समान अनुपात में तो कैसा बनेगा? मैजेंटा, सफ़ेद, काला, श्याम। तो देखिए, लाल, हरा, नीला तीनों के तीनों प्राथमिक रंग है, और जब लाल, हरा, नीला को मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71